आप सभी का बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान ही आपको सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से हर जानकारी हर तस्वीर पहुंचा रहा है। यह खबर जयपुर से मिल रही है। हवा महल सीट पर वोटरों ने खूब हंगामा किया है। पोलिंग बूथ पर वोटरों के नाम कटने से यानी वोटिंग लिस्ट से वोटरों के नाम कटने से जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। बिल्कुल, रामगंज और रामगढ़ रोड क्षेत्र में पोलिंग बूथों पर हंगामा हुआ है। हंगामे के बाद समझाइश के लिए आपको बता दें पहुंची है पुलिस। बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि हवा महल सीट पर वोटरों ने हंगामा काटा है। पोलिंग बूथ पर वोटरों के नाम कटने से यह हंगामा हुआ है। तो पोलिंग बूथ पर पहुंचे वोटर, वहां पर नाम नहीं मिला और नाम कटने के बाद यह हंगामे की तस्वीर देखने को मिली। हंगामे के बाद समझाइश भी उनसे की गई, समझाइश के लिए कोशिश की गई कि आप समझ जाइए हवा महल सीट पर वोटरों ने ये हंगामा काटा था। बिल्कुल विष्णु, मैं समझाता इस खबर पर जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, वोटरों से सीधा बात कीजिएगा, क्या कुछ उनका आरोप है और वहां पर जो पदाधिकारी हैं निर्वाचन आयोग के उनका क्या कहना है? देखिए, दोपहर 1 बजे तक मतदान शांतिपूर्वक जयपुर शहर में हो रहा था। उसके बाद जैसे जैसे वक्त जो बढ़ रहा है यानी जब पोलिंग जब अच्छी हो रही है उसी दौरान दोपहर 2 बजे के आसपास जयपुर के हवन विधानसभा क्षेत्र उसके अलावा आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से काफी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटने की जो बात जानकारी है वो सामने आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगंज इलाके में जहाँ पर सूरजपोल बाजार में मॉडर्न पब्लिक स्कूल है, ये पोलिंग बूथ है आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में। और वहाँ काफी संख्या में जब वोटर वोट डालने के लिए आए तो उनको मालूम चला कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट चुका है। एक शख्स है जो बैंकॉक से स्पेशली वोट डालने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन जब वोटर लिस्ट में नाम देखा तो नाम गायब था। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम, क्या घटना हुई आपके साथ, क्या हुआ? मेरा नाम राहुल गहलोत है, मैं बैंकॉक से यहाँ पर आया केवल वोट डालने के लिए। और जब मैं यहाँ पे आके देखा तो मेरे लिस्ट में नाम नहीं था, जबकि मैं 3 बार यहाँ पे वोट डाल चुका हूँ उसके बाद भी। और मेरी वाइफ का वोटर आईडी मेरे वोटर आईडी के यहाँ पे वो वोट डाली, लेकिन मेरा नाम उस लिस्ट के अंदर नहीं है। मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि मेरा जो मत था वो मुझे मिला नहीं बिल्कुल भी। इससे मैं जितनी दूर से आया था मैं इतना दुखी हूँ इस चीज को लेकर कि मैं कह नहीं सकता इस बात को। देखिए रविंद्र, मैं अभी फिलहाल जो निर्वाचन अधिकारी काफी दूर है, काफी संख्या में जो लोग बैठे यहाँ पर हो रहे हैं, जो अपने वोटर आईडी यहाँ पर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि वोटर आईडी उनके पास में है, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ है आपके साथ? एक मिनट, हमारे साथ में ये हुआ है कि 3 दिन लिस्ट में पहले नाम था, 3 दिन पहले लिस्ट में नाम था, उसके बाद में लिस्ट में नाम काट दिया गया है। एक घर में से 80 वोट काटा गया है, अंदर एक ही मशीन लगी हुई है। हमारे पास है ये सब पत्रिका है हमारे पास में, लेकिन हमें वोट डालने की वो लिस्ट नहीं मिली अभी तक। हमारे भी वोट डालने की लिस्ट में नाम नहीं आया, हमारा नाम कट गया। हर साल मैं वोट डाल के आई हूँ, इस साल मेरा नाम क्यों काटा गया? इस साल मेरा नाम काटा गया है, मुझे मैं 33 साल से वोट देती आई हूँ, इस साल मेरा नाम काटा गया। मैं प्रॉपर यहीं की रहने वाली हूँ। ये आज 22 साल से वोट डाल रहा हूँ यहाँ पर और हमारे नंबर कटे हुए हैं। पाटनी भवन मकान नंबर 152 के है। कितने लोगों के वोट कटे हैं यहाँ? मेरे परिवार के 4 जने, उसमें से 3 के वोट कटे हुए। मुनी मंडल स्कूल में 400 आदमियों के वोट काट दिए। हाँ सर, लगभग ये तो एक बूथ की स्थिति, सिर्फ यहाँ पे 300 वोट काटे गए। ऐसे आदर्श नगर को छोड़ो, किशन पोल के अंदर भी हर बूथ के अंदर सनातनियों के नाम कटे हुए। केवल ऐसा नहीं चलने देंगे हम, ये बिल्कुल इस तरह नहीं होगा। बड़ी बात देखो, आप जो पश्चिम बंगाल या बंगाल से जहाँ से आए ना, उनके वोटर आईडी में नाम जुड़े हुए हैं और जो यहाँ के लोकल स्थानीय निवासी उनके नाम सरासर काटे गए और हिंदुओं के नाम ही काटे गए। आपने पूछा निर्वाचन अधिकारी से क्या हुआ है, क्यों? मैं कहा था जब बीएलओ बैठा था, बीएलओ बोल रहे मुझे पता नहीं है, वो बोले आपने जहाँ से आईडी बनाई वहाँ पता करो। वो बोलते बैठा ना, वो कुछ 15 किलोमीटर दूर से आया हूँ, 10 जनों से मैंने फोन पे मालूम कर लिया मेरे नंबर क्यों कटे, ये मेरे वोटर आईडी है।
ये मेरे वोटर आईडी है। मुझे बताइए निर्वाचन अधिकारी से बीएलओ से आपकी बातचीत हुई है? मेरे कैसे कर रहा, मेरे को पता नहीं है कैसे नाम कटे हैं। बीएलओ ये कह रहा है कि मुझे पता नहीं है ये नाम किसकी साजिश है। पूरी बिल्कुल साजिश है, मुझे क्या हुआ था, क्या हुआ? बिल्कुल साजिश है, हमारे घर के 5 लोगों के नाम उसमें है नहीं, जिसमें 2 तो ऐसे हैं जो पहली बार ही वोट डालते, उनको भी वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। 18 वोट कटे, हर विधानसभा में वोट कटे, हर बूथ पे काट रहे। गलती से हुआ है, क्या हुआ है? गलती से नहीं हुआ, जबरदस्ती काटे गए। कौन सा विधानसभा क्षेत्र है ये? हवा महल या आदर्श? चार आदमी चारों पे कट गए, कई साल के वोट लेके आए हैं। सरकारी आदमी को अलाउ नहीं है वोटिंग के अंदर, सरकारी आदमी क्यों बैठा है वोटिंग के अंदर? सरकारी आदमी अलाउ नहीं है। काफी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्या यहाँ पर हो रहा है? उसकी पुलिस का जाप्ता यहाँ पर लगाया गया, पुलिस का जाप्ता यहाँ पर लगाया। मुनिंद्र जी क्या शिकायत आ रही होगी? मुनिंद्र जी क्या शिकायत आ रही होगी? 18 साल से वोट डाल रहे हमारे, वोटर की शिकायत है कि कुछ नाम काट दिए। दिलीप जी क्या शिकायत आई है लोगों की? लोगों की ये शिकायत आई है कि उनके पहले वोटर लिस्ट में नाम थे, लेकिन इस बार यहाँ आए तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे जी। तो कोई बातचीत हुई आपकी बीएलओ से? हाँ बात हुई है, ये एप्लीकेशन दे रहे हैं जिसको हम आगे भेज देंगे, जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी। शिकायतें आ रही करीब 30-40 लोगों ने शिकायत करी, 30-40 लोगों की शिकायत यहाँ पर है, काफी संख्या में लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा, देखिए पोलिंग बूथ जो है वो पीछे की तरफ है मॉडर्न पब्लिक स्कूल, और यहीं पर काफी संख्या में जो जाप्ता है वो भी यहाँ पर लगाया गया है। काफी संख्या में लोग इसके जो आक्रोश है उसकी वजह से यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, लोगों में आक्रोश काफी है। आप पुलिस भी मान रही की शिकायत में ही हो रहा है, क्या हुआ है? मिली मशीन बंदे यहाँ उधर भी एक तरफा वोटिंग हो रही है, इधर भी एक वोटिंग हो रही है, इसमें इस पूरे बूथ में एक तरफा वोटिंग हुई है, बाकी हमारे को वोट नहीं डालने दिया। मेरी मम्मी 25 साल से वोट दे रही है, मेरे पापा का नाम आया, मेरा नाम है, लेकिन मेरी मम्मी का नाम भी काट दिया इन लोगों ने। आपके साथ क्या हुआ? ये साहब नाम काट दिया गया, 1 महीने पहले मैंने वोटर लिस्ट में यहाँ नाम देख के गया था, उसके बाद वो वोटर लिस्ट ही गायब है। बीएलओ से आपकी बात हुई है निर्वाचन? बीएलओ का जवाब है साहब मेरे को पता नहीं है। क्या हुआ? हमारा भी नाम कट गया सारा, ये पता नहीं। 30 साल से वोटर थे आप? 30 साल से यहाँ रहते हैं, हमारा यहीं रहने का हुआ है, तो 30 साल से वोट पड़ रहे हैं बराबर, अरे हमारा आपकी बात नाव ही नहीं आया, नाव ही कट गए आपका नाम। अधिकारी अंदर बैठे हैं, रवि साहब अंदर हैं। क्या है, कोई साजिश है, कोई जानबूझ के हुआ या फिर कोई गलती से हो गया? अब हम साथ रफी खान खुद अंदर बैठा हुआ है, अभी किस बात से बैठा हुआ है रफी खान अंदर? यहाँ का जो विधायक है वो खुद अंदर बैठा हुआ है। बाबूजी आपका क्या नाम है? बाबूजी क्या नाम आपका? मेरा नाम श्याम बढ़ाया है। क्या हुआ है बाबूजी? मेरी मम्मी का नाम काट दिया, छोटे भाई का काट दिया। आपके यहाँ इस बूथ से करीब कितने लोगों के नाम कटे अभी तक? अभी तक तो मैं 300 के 400 के करीब देख रहा हूँ। 300-400 नाम कट चुके हैं? बिल्कुल सर, 300-400 नाम कट चुके हैं, उनका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। बीएलओ अधिकारी अंदर बैठे हैं, कोई संतुष्ट जवाब नहीं। और भी स्थानीय नागरिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं, चूंकि काफी संख्या में मतदाता यहाँ पर इकट्ठा है। चूंकि जी बिल्कुल कीजिए बात, 300 से 400 मतदाताओं के नाम यहाँ पर कटे, एक ही बूथ का ये मामला है। क्या है, आपका भी नाम कटा है? नहीं सर, मेरे दादी जी का नाम कट गया, वो कंटिन्यू है वोटर, सबकी फैमिली का नाम, हमारी सब फैमिली का सबका आ गया, लेकिन दादी जी का नाम काट दिया। भाई किस किस का नाम कटे है आपके यहाँ पर? देखिए ये मकान नंबर 152 पाटनी भवन जीर माता खुर्रा, 18 साल से वोट डाल रहा हूँ कंटिन्यू। आज सुबह से मैंने कम से कम 10 जनों से तो इधर से उधर मालूम किया, अभी भी मैं 12 किलोमीटर दूर से। बीएलओ से आपकी बात हुई है यहाँ पर? मैं बीएलओ है कहाँ, मेरे को पता ही नहीं है बीएलओ। बीएलओ हाँ बीएलओ बतावे, किस आधार में नाम कटा है मेरा, किस शय पर हुआ है ये मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरा नाम नहीं है वोटिंग लिस्ट में। मैं ये कहता हूँ ये जो 5 साल में जो लोकतंत्र का जो उत्सव होता है, लोकतंत्र का जो उत्सव होता है, और हर व्यक्ति को इंतजार होता है कि मतदाता मत का प्रयोग करे, अपने मताधिकार का प्रयोग करे, लेकिन आज जब मताधिकार करने के लिए यहाँ पर मतदाता यहाँ पर आए तो लिस्ट से नाम उड़ा देख करके, यानी कि काफी सारे बुजुर्ग जो स्थानीय निवासी है उनके नाम यहाँ पे कट चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो बाहर से जो लोग आए यहाँ पे कुछ समय पहले आए, किराए से रह रहे थे, उनके नाम है वोटर लिस्ट में जुड़ गए, जो कि वेस्ट बंगाल तक की जानकारी भी दी जा रही। क्या शिकायत है आपकी? सर बीओर ने वो करी है, किसी के घर पे जाके नहीं बोला है कि हमने नाम जोड़ा है या काटा है, मतलब पूरा पर्ची की पर्ची नाम काट दी उन सबने। बीओर ने मिली भगत से ही करा काम करा। कुछ क्या हुआ?
बीएलओ ने कुछ नहीं, किसी के घर पे नहीं गया, जानबूझ के हुआ या कोई वैसे गलती हो गई है, मेरे घर पे नहीं गया, मेरे से पूछा नहीं कि आपके घर में कोई रहता नहीं रहता, किसी ने किसी घर पे नहीं गया, वो अपनी मर्जी से नाम लिख लिया, अपनी मर्जी से फोन नंबर लिख लिए, किसी को नहीं पूछा उसने, और ये कहता कि सरकारी पर्चे नहीं दिए, बीएलओ ने अपनी मर्जी से नाम काट दिए, ये सब विधायक के सेफ में हुआ है। अब क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर मैं जनप्रतिनिधि हूँ, निर्दलीय जनप्रतिनिधि हूँ, गौतम शर्मा आदर्श नगर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी और निर्दलीय लड़ रहा हूँ, तो कई लोगों को पर्चियां आना दी नहीं, और मैं अभी दवाबखाना स्कूल में सुबह गया था तो एक बुढ़िया है बंजारा बस्ती में जो माता जी है, उनकी पर्ची उनको दे दी, और फिर मैं वहां गया तो बोला कि आप बाहर जाइए। नाम कटा क्या उनका, नाम कटा क्या? हाँ नाम कटा है, तो नाम क्यों कटा? क्या होना चाहिए आपके मुताबिक, क्या कर रहे हैं आप? क्या है नियम अनुसार जो भी रूल जो भी, अरे चार दीवारी के अंदर दोबारा वोटिंग होनी चाहिए, चार दीवारी में दोबारा वोटिंग होनी चाहिए, तीनों के तीनों एमएलए के पक्ष के अंदर वोटिंग हो रही है, केवल एक तरफा वोटिंग, और सबसे ज्यादा हिंदुओं के वोटिंग कटी है लिस्ट में से वोटर। बड़े गंभीर आरोप और आक्रोश और नाराजगी यहां पर वोटर्स की देखने को मिल रही है, खासतौर पर हवा महल विधानसभा सीट पर हमारे प्रत्याशी यहां पर लोगों के साथ बातचीत करते हुए, और मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा चूंकि अरबाज अहमद लगातार चुनाव आयोग को कवर करते हैं, हम कोशिश करें कि एक बार अरबाज अहमद भी हमारे साथ फोन लाइन पर आगे चलकर कनेक्ट हो, ताकि उनसे हम समझने की कोशिश करें कि एक ही परिवार के बाकी लोगों की अगर वोट होती है, एक दो या तीन लोगों के वोट कट जाते हैं तो उसके लेकर क्या प्रावधान होता है, क्या प्रावधान होता है, क्या वो वोट डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे। फिलहाल सौरभ गृहस्थी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, लेकिन ममता इस बीच जरूरी यह हो जाता है कि जो मतदान प्रतिशत निकलकर सामने आ रहा है।